हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया? आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया। तो हमने कल जो देखा था भूमिगत तना के अंदर हमने देखा था, मतलब कायिक परिवर्धन में हमने देखा था प्राकृतिक परिवर्धन और क्या बोलते हैं कृत्रिम परिवर्धन। तो प्राकृतिक परिवर्धन, कायिक परिवर्धन में हमने देखा था जड़ों द्वारा फिर तनों द्वारा देखा था। तनों में हमने देखा था भूमिगत तना के अंतर्गत हमने देखा था कंद, प्रकंद, घन कंद, सल्क कंद और क्या बोलते हैं, हाँ सल्क कंद, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे क्या अर्धवायवी तना जो है, इसमें अब आगे का हमारा ये पार्ट फाइव में हम देखेंगे क्या अर्धवायवी तना, क्या देखेंगे अर्धवायवी तना। इसमें क्या होता है, यह भूमि के समांतर वृद्धि करने वाला, यह जो भूमि है इसके समांतर वृद्धि करने वाला तना है। प्रत्येक पर्वसंधि से जुड़े वह शाखाएं निकलती हैं, मतलब जो पर्वसंधियां होती हैं उनसे जुड़े हुए थे और उनसे क्या निकलती हैं, जड़े और शाखाएं निकलती हैं। पर्वसंधि का कुछ भाग प्रायः मिट्टी में या जल के अंदर रहता है। पर्वसंधि जो हमारी होती है उसका कुछ भाग या तो मिट्टी में रहेगा या तो जल के अंदर रहेगा, या निम्नलिखित प्रकार का होता है, जो मतलब कई प्रकार के होते हैं, जो वो अर्धवायवी तना होता है उसके कई प्रकार होते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे, यह भूमि के समांतर वृद्धि करने वाला तना है, यह भूमि के समांतर वृद्धि करने वाला तना है, जो ये अर्धवायवी तना है, ये क्या है, भूमि के समांतर, मतलब भूमि के समांतर, जैसे भूमि रहती है उसी के समांतर एकदम वृद्धि करता है, ठीक है। प्रत्येक पर्वसंधि से जड़े व शाखाएं जुड़ी रहती हैं, जो इनकी प्रत्येक पर्वसंधियां होती हैं उनसे क्या होती हैं, जड़े व शाखाएं निकलती हैं। पर्वसंधियों से क्या होता है, जड़े और शाखाएं निकलती हैं, ठीक है। पर्वसंधियों का कुछ भाग क्या पाया जाता है, मिट्टी में, या कुछ भाग जल के अंदर पाया जाता है। पर्वसंधि का कुछ भाग मिट्टी में पाया जाता है या जल के अंदर पाया जाता है, अंदर होता है। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से प्रकार होंगे ये चीजें हम आगे देखेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए, चलते हैं उसके बाद हम आगे अब इसके, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए और हम देखते हैं इसके आगे इसमें कौन कौन सा होता है ये चीजें हम देखेंगे। जैसे हमने देखा था वायवी, क्या बोलते हैं, हाँ भूमिगत तना देखा था। अब भूमिगत तना के बाद ये हम लोग अर्धवायवी तना दे रहे हैं। भूमिगत तना में हमने चार भाग देखे थे, इसी तरीके से इसमें भी चार भाग होते हैं, ये चीजें हम देखते हैं। इसमें क्या होता है, जो अर्धवायवी तना है इसमें आ हमारा होता है, हमने इसको कल बताया था अंतर्भूस्तारी, क्या होता है अंतर्भूस्तारी
ठीक है, ये चीज। इसके अंतर्गत क्या होता है, इनकी शाखाएं कोमल व भूमिगत होती हैं। इनकी जो शाखाएं होती हैं इन पौधों की, वो क्या होती हैं, कोमल होती हैं और भूमिगत होती हैं, जो कुछ दूर तक मृदा के भीतर वृद्धि करती है। जो ये होते हैं ये कुछ दूर तक मृदा के भीतर वृद्धि करती है, उसके बाद क्या होता है, और इनका कुछ भाग जमीन के ऊपर पाया जाता है। जो इनका और अन्य भाग होता है वो जमीन के ऊपर पाया जाता है। कुछ समय बाद ये शाखाएं, जो इनकी जो शाखाएं होते हैं वो जनक पौधे से अलग होकर, कुछ समय पश्चात इनकी शाखाएं, जो भी शाखाएं रहती हैं वो जनक, जो जनक पौधा मान लो ये जनक पौधा है, कुछ भी पौधा ले लो, ये मान लो हमने बना लिया किसी भी चीज का पौधा। अब पौधा तो ऐसा नहीं होता किसी का, लेकिन मान लो बना लिया, तो इनकी जो ये शाखाएं कुछ समय पश्चात अलग हो जाएंगी इससे, और ये क्या कर लेंगी, एक संतति पौधे का निर्माण करती हैं। ठीक है, एक नए पौधे का निर्माण करती हैं। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, पुदीना हो जाएगा, गुलदावरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुलदावरी हो जाएगा। पुदीने में आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें धीरे धीरे फैलते फैलते नई नई शाखाएं निकलती हैं, नए नए पौधे निकलते हैं। उनकी जड़ों को आप लगा देंगे तो भी उनमें क्या आ जाती हैं, पौधे आ जाते हैं, उनसे पौधे बन जाते हैं। वही चीज़ है उनकी शाखाओं से। ठीक है, इनकी शाखाएं कोमल व इनकी शाखाएं कोमल व क्या होती है, भूमिगत होती है। भूमिगत होती हैं, जो कुछ दूर तक तो क्या होता है, मृदा के भीतर वृद्धि करती हैं। जो कुछ दूर तक मृदा के भीतर वृद्धि करती हैं, भीतर वृद्धि करती हैं। वृद्धि करती हैं तथा क्या होता है, इनका कुछ शेष भाग और इनका कुछ भाग जमीन के बाहर क्या होता है, जमीन के ऊपर पाया जाता है। जो इनका और कुछ भाग होता है वो क्या होता है, जमीन के ऊपर पाया जाता है। कुछ समय बाद ये शाखाएं जनक पौधे से अलग हो जाती हैं। कुछ समय बाद ये शाखाएं जनक पौधे से अलग होकर एक नए पौधे का निर्माण करती हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें हम क्या देखते हैं, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, पुदीना गुलदावरी। ठीक है, अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट आप लोगों ने। चलिए अब हम आगे देखते क्या, ऊपरी भूस्तरी, इसमें हमारा दूसरा जो है बी हमारा है ऊपरी भूस्तरी। ठीक है, चलिए इसमें क्या होता है, इनकी शाखाएं पतली हरी व क्षैतिज होती हैं। इनकी जो शाखाएं होती हैं वो पतली होती हैं
हरी होती है तथा क्या होती है, क्षैतिज होती है, जो भूमि के ऊपर वृद्धि करती है, जो भूमि है उसके ऊपर ये लोग वृद्धि करते हैं। जैसे ये मान लो भूमि है, इसके ऊपर ये वृद्धि करेंगे, नीचे नहीं वृद्धि करेंगे, इनकी जो शाखाएं होती हैं, ठीक है, इनके पर्वसंधियों से जड़ें निकलती हैं जो नए पौधे का निर्माण करते हैं। जो इनकी पर्वसंधियां होती है, मतलब जहां पर ये ज्वाइनिंग नहीं था, जैसे एक डंठल ये हुई, फिर यहां से यही जो पर्वसंधियां इनकी होती हैं, ये पर्वसंधियां, यहां से क्या निकलता है, एक नए पौधे का निर्माण होता है, ठीक है, पर्वसंधियों से। जैसे क्या हो जाएगा, इसमें दूब वाली जो घास नहीं होती वो, उसमें आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, पर्वसंधियों से जड़ें निकलती हैं और ये क्या निकलता है, नए पौधे का निर्माण कर देती हैं। इसमें क्या होता है, जैसे खट्टी बूटी और क्या होता है, खट्टी बूटी वाला पौधा देखा होगा, जो एक खाने में गाँव में पाया जाता है, अधिकतर खाने में, जैसे पान का पत्ता नहीं होता ऐसे छोटा छोटा, वो बहुत छोटा छोटा होगा, ठीक है, पान के पत्ते के साइज का होगा वो, लेकिन बहुत छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा होता है वो, उसको खाएंगे आप लोग खट्टा खट्टा बोलोगे, ठीक है, उसको खा सकते हो, वो हानिकारक नहीं है, हमने भी खाया है, ठीक है। चलो अब आगे हम इसका लिख लेते हैं, क्या है, इनकी शाखाएं पतली व इनकी शाखाएं पतली व हरी तथा क्षैतिज होती है, क्षैतिज होती है, जो इनकी शाखाएं होती हैं वो क्या होती है, हरी पतली तथा क्या होती है, क्षैतिज होती है, जो भूमि के ऊपर, जो क्या करती है, जो भूमि के ऊपर वृद्धि करती है, जो भूमि के ऊपर वृद्धि करती है, ऊपर वृद्धि करती हैं, ऊपर वृद्धि करती हैं, पर्वसंधियों से जड़ें निकलती हैं, तथा नए पौधे का निर्माण करती हैं, नए पौधे का निर्माण करती हैं, उदाहरण में क्या हो जाएगा, इसके दूब घास, खट्टी बूटी, खट्टी बूटी, ठीक है। चल इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपरी भूअस्तारी, अब इसमें हम क्या देखेंगे, भूअस्तारी, इसमें हमारा सी क्या हो जाएगा, भूअस्तारी, जो हमारा सी रहेगा वो सीधा क्या रहेगा, भूअस्तारी, ठीक है, भूअस्तारी में क्या होता है, ये चीजें भी हम देखते हैं, भूअस्तारी में क्या होता है, इनकी शाखाएं छोटी संघनित होती हैं, जो इनकी शाखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, छोटी होती हैं, बहुत ज्यादा छोटी होंगी इनकी शाखाएं, और क्या होती हैं, संघनित होती हैं, इनके टूटने पर वायवीय शाखाएं, जो वायवीय शाखाएं होती हैं वो स्वतंत्र पौधे का निर्माण करती हैं। जैसे क्या हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी या चमेली, ठीक है, इनकी जो शाखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, छोटी होती हैं तथा क्या होती हैं, संघनित होती हैं, जिससे क्या होता है, इनके टूटने पर, जो इनकी शाखाएं होती हैं इनके टूटने पर क्या होता है, वायवीय शाखाएं, टूटने पर
वायवी वायवी जो शाखाएं होती हैं स्वतंत्र पौधे का निर्माण करती हैं, स्वतंत्र पौधे का निर्माण करती हैं। निर्माण करती है। इसका उदाहरण क्या क्या हो जाएगा? जैसे उदाहरण हो जाएगा स्ट्रॉबेरी, और क्या हो जाएगा चमेली। चमेली लगभग सभी लोगों ने देखी होगी। चमेली का पौधे की जो शाखाएं होती हैं वो छोटी होती हैं, ये आप लोग जानते हो, ठीक है। मुझे इसकी बताने की आवश्यकता नहीं है, जो इसमें दिया हुआ है उसी हिसाब से उसमें होता है, ठीक है। चलिए अब इसमें हम क्या देखेंगे, भूस्तारिका। क्या देखेंगे? भूस्तारिका। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भूस्तारी, अब डी हमारा क्या हो जाएगा, चौथा जो हमारा है अर्धवायवी तना का भूस्तारिका। ये हमारा हो गया डी। इसमें क्या होता है, ये जल में पाए जाते हैं, जो ये भूस्तारिका अलग क्या बोलते हैं, जनन होता है, कायिक प्रवर्धन होता है, वो क्या पाया जाता है, ये जल में होता है, ठीक है। इनकी पर्वसंधियों से पत्तियों का एक गुच्छा निकलता है, इनकी जो ज्वाइंडिंग होती है इसे, इसी को पर्वसंधियां कहते हैं। इन पर्वसंधियों से क्या होता है, निकलता है पत्तियों का एक गुच्छा निकलता है, ठीक है, जिनके नीचे जड़ों का समूह पाया जाता है। जिनके नीचे क्या होता है, जड़ों का समूह पाया जाता है, जो टूटकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। जैसे जलकुंभी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, पिष्टिया हो जाएगा, पिष्टिया, ठीक है। ये जल में पाए जाते हैं, ये क्या होता है, ये जल में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं। ये जो भूस्तारिका वाला कायिक प्रवर्धन है, ये किस में पाया जाएगा, जल में पाया जाएगा। अर्धवायु तना द्वारा जो होता है, तने द्वारा, वो क्या था, कायिक प्रवर्धन में था, तना, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन, फिर तने के अंदर हमने देखा था क्या, भूमिगत तना, और फिर देखा था अर्धवायु तना। अर्धवायु के अंदर हम देख रहे हैं भूस्तारिका, ठीक है। ये चीज आप लोग उसी के साथ लिखते हुए चलिएगा, सीक्वेंस में एकदम जैसे मैं लिखा रहा हूँ हेडिंग वाइज लाइन्स, वैसे सीक्वेंस में लिखते चलिएगा, ये आप लोगों को आगे चलकर बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। अभी फिलहाल बोर्ड के हिसाब से ये उतने महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं है, क्योंकि ये बोर्ड में मुश्किल है इन सबका पूछना। बोर्ड में वही पूछेगा अधिकतर, मान के चलिए एनसीईआरटी से पूछेगा। बायोलॉजी तो एनसीईआरटी से आ सकता है, बट फिजिक्स और क्या बोलते हैं उसकी गारंटी नहीं है केमिस्ट्री की, वो पूछेगा कहाँ से। फिजिक्स और केमिस्ट्री आप हमेशा हार्ड तैयार करिए एकदम, क्योंकि वो कहीं से भी पूछ सकता है फिजिक्स और केमिस्ट्री। और जो ये सिलेबस कटने वगैरह के बाद, सिलेबस कटेगा नहीं, आपकी बार पूरा सिलेबस कर दिया गया है आप लोगों का। और ये ना सोचिए कि ये टॉपिक हमने नहीं पढ़ा है, ये छोड़ दे रहे हैं, तो ये नहीं है, आएगा जरूर से आएगा। हर एक टॉपिक आपको लोगों के लिए पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। पाए जाते हैं इनकी पर्वसंधियाँ, इनकी, अब इसके आगे हम देखेंगे, ये जल में पाए जाते हैं, इनकी पर्वसंधियाँ इनकी जो पर्वसंधियों क्या होती है, पर्वसंधियों से पत्तियों का गुच्छा निकलता है, पत्तियों का गुच्छा निकलता है। गुच्छा निकलता है जो इनकी क्या होती है, पर्वसंधियां होती है, उनसे क्या निकलता है, गुच्छा निकलता है, पत्तियों का एक गुच्छा निकलता है। जिनके नीचे जड़ों का क्या पाया जाता है, समूह पाया जाता है। जिनके नीचे जड़ों का समूह पाया जाता है, ठीक है। अब आगे क्या है, जड़ों का समूह पाया जाता है, जो टूट कर नए पौधे का निर्माण करते हैं।
नए पौधे का निर्माण करते हैं। जैसे क्या हो जाएगा उदाहरण में, जलकुंभी, जलकुंभी हमारा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, क्या बताया था, फिस्टिया, पिस्टिया, ठीक है। जलकुंभी आप लोगों ने देखा होगा तालाब वगैरह में रहता है। चलिए अब आप लोग इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे 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 हम बढ़ेंगे। क्या तनों द्वारा हमारा हो गया, अब ये हमारा खत्म हो गया था तनों द्वारा। जो तनों में क्या था, अर्धवाय भूमिगत तना और क्या था, अर्धवायवीय तना, ये दोनों हमारा खत्म हो गया पार्ट। अब इसके अंदर क्या देखेंगे, प्राकृतिक प्रवर्धन हम देख रहे थे। कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत हम प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन देख रहे थे। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत हम देख रहे थे तनों द्वारा। तनों के अंतर्गत हम देख रहे थे एक भूमिगत तना, एक अर्धवायवीय तना, ये दोनों हमारा खत्म हो चुका। अब तनों के बाद हमारा क्या हो जाएगा, पत्तियों द्वारा। क्या हो जाएगा, पत्तियों द्वारा, लीव्स, बाय लीव्स। चलिए क्या हो जाएगा, पत्तियों द्वारा, पत्तियों द्वारा। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, बहुत से पौधे पत्तियों के विभिन्न भागों जैसे पर्ण सतह किनारों पर, पर्ण वृत्त या क्या होता है, पर्ण शीर्ष पर अपस्थानिक कलिकाएं निकल आती हैं। इसे ये कोने पर आप लोगों ने देखा होगा, ये मान लो पत्ती है किसी चीज की, ठीक है, यहाँ से कहीं कहीं मध्य से तो कहीं यहाँ से, ठीक है, ये चीज कहना है, ठीक है। जैसे पर्ण सतह, जो पर्ण की पत्ती की जो सतह है वहाँ से निकल आए, किनारों पर से साइड साइड से निकल आए, और क्या होता है, पर्ण वृत्त मतलब मध्य से निकल आए पर्ण के, ठीक है। अब स्थानीय कलिकाएं निकल आती है, इन कलिकाओं से नए पौधे का निर्माण होता है। जैसे क्या होता है, ब्रायोफिलम या अजूबा, इसी को क्या कहते हैं, ब्रायोफिलम भी कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम क्या है, अजूबा। और जैसे और क्या है, बिगोनिया, किस चीज का पौधा है, बिगोनिया का भी पौधा है, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में हम लिखते हैं, बहुत से पौधों क्या, बहुत से पौधों की पत्तियों पत्तियों के विभिन्न भागों में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे पर्ण सतह, क्या हो जाएगा, जैसे पर्ण सतह, और क्या हो जाएगा हमारा, किनारों पर पर्ण वृत्त, किनारों पर और पर्ण वृत्त, पर्ण वृत्त, पर्ण वृत्त, और क्या हो जाएगा, या पर्ण वृत्त हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, पर्व शीर्ष, पर्ण शीर्ष, ठीक है, ये चीज हो गई पर्ण शीर्ष। पर अपस्थानिक कलिकाएं निकल आती हैं, क्या होता है, पर इन पर जो है, या तो पर्ण सतह पर, पर्ण किनारों पर, पर्ण वृत्त पर, या पर्ण शीर्ष पर अपस्थानिक कलिकाएं निकल आती हैं। पर अपस्थानिक कलिकाएं निकल आती हैं जो क्या होता है, इनके इन जगहों पर अपस्थानिक कलिकाएं निकल जाती हैं। इन कलिकाओं से नए पौधे का निर्माण होता है। ये जो कलिकाएं होती हैं, ये क्या करती हैं, इन कलिकाओं नए पौधे का निर्माण होता है।
ठीक है, इनकी जो कलिकाएं होती हैं यहां से क्या होता है नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। उदाहरण में क्या हो जाएगा, अजूबा या क्या हो जाएगा, ब्रायोफिलम। इसी को हम क्या कहते हैं, अजूबा। अजूबा का पौधा कुछ लोगों ने देखा होगा, उनकी पत्तियों से इनका होता है। और क्या हो जाएगा, बिगोनिया तो नहीं देखा होगा आप लोगों ने, मैंने भी नहीं देखा है, ठीक है। बिगोनिया ब्रायोफिलम की पत्तियों के किनारों पर पाई जाने वाली खांचों में कलिकाएं निकल आती हैं, जो पत्ती के जमीन पर गिरने से नए पौधे को जन्म देती हैं। जो ब्रायोफिलम जो हमारा होता है उसमें जनन कैसे होता है, उनकी पत्तियां जो हैं उनके जो किनारे है, जैसे पत्तियां ऐसे थी ना, मान लो ब्रायोफिलम की पत्तियां ऐसे हैं, ठीक है, मान लो ऐसे है ब्रायोफिलम की पत्तियां, तो इनके जो कोने होते हैं यहां से देखेंगे आप लोग, नीचे की साइड पर जड़े निकलेंगी और ऊपर की साइड पर, ये मान लो नीचे की सतह है और ये ऊपर की सतह, तो नीचे की तरफ क्या निकलेंगी, जड़े निकल जाएंगी और ऊपर की तरफ पत्तियों और नए पौधे, नए कलिकाएं निकल आती हैं जो नए पौधे का निर्माण करती हैं, ठीक है। अब इसमें हमारा डी किया था, सी हमने देख लिया पत्तियों द्वारा, और डी किया था हमारा पत्र पर कलिकाओं द्वारा, क्या हो जाएगा, पत्र पर कलिकाओं द्वारा। चलिए देखते हैं हम इसके आगे, डी हमारा क्या हो जाएगा, पत्र पर कलिकाओं द्वारा। चलिए इसमें क्या हमारा हो रहा है, पत्रकंद, एक तरह की मांसल कलियां होती हैं। जो पत्रकंद होता है वो एक तरह की मांसल कलियां होती है जो कायिक प्रवर्धन में सहायता करती है, जैसे ऑक्जेलिस का जो पौधा होता है, ऑक्जेलिस का पौधा, उसमें क्या होता है, पत्र पर कलिकाओं द्वारा होता है जनन, ठीक है, पत्र पर कलिकाओं द्वारा, ये मेरे जुबान से सही से निकल नहीं रहा है, पत्र पर कलिकाओं द्वारा इसमें क्या होता है, कायिक परिवर्धन होता है, ठीक है। और अवैध का पौधा जो होता है अगैव, उसमें भी यही होता है, ठीक है। पत्रकंद जो होता है हमारा एक तरह का मांसल होता है। जो हमारा पत्र कंद है वो क्या है, एक तरह का मांसल है जो कायिक प्रवर्धन में सहायता करती है। इसका हमारा उदाहरण क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिस। और क्या हो जाएगा, अगैव, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम क्या देखेंगे, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जो होता है उसके बारे में हमने देखा था, एक प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और क्या था, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के बारे में हम कल देखेंगे, और इसमें एक पॉइंट और मैं अभी आप लोगों को बता दे रहा हूँ, बंगाल के आतंक के बारे में हम ऐसे ही सीधा सीधा जान लेते हैं, ये चीज़ पूछेगा नहीं, मगर आप लोगों के लिए ये जानकारी रखना बहुत जरूरी है, टेरर ऑफ
बंगाल, ठीक है। जलकुंभी को ही क्या कहा जाता है, बंगाल का आतंक के नाम से जाना जाता है। जो जलकुंभी है उसे ही क्या कहा जाता है, बंगाल का आतंक। जो बंगाल का आतंक है उसे ही जलकुंभी, बंगाल के आतंक जो है उसे जलकुंभी के नाम से, जलकुंभी जो है उसी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। इसे पहले बार मतलब इसे जो पहली बार है जलकुंभी को, उसे बंगाल के जलयासों में सुंदर फलों फूलों के लिए लगाया गया था। जो बंगाल के जो जलाशय थे उनमें क्या था, सुंदर फूल लाने के लिए लगाया गया था। और ये लगाया कौन था, ये लोग विदेशी आए थे, ठीक है। परंतु यह एक अति हानिकारक जल खरपतवार बन गया। जो ये है ये बहुत ही हानिकारक जल खरपतवार बन गया, जो केवल बंगाल के साथ ही साथ, जो केवल बंगाल के साथ मतलब बंगाल में ही नहीं रहा, ये पूरे संपूर्ण भारत में धीरे धीरे फैल गया, ठीक है, फैलता गया। यह पादप जल से ऑक्सीजन की कमी कर देता है। अगर पूछा जाएगा प्रश्न कभी, मान लीजिए जलकुंभी क्या करती है, तो ये जल से क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी कर देती है। और अगर पूछा जाता है बंगाल का आतंक है कौन, तो बंगाल का आतंक कौन है, जलकुंभी है, ठीक है। ये ऑक्सीजन की कमी कर देती है, इससे जलीय जीवों को श्वसन की समस्याएं होने लगी। अब पूछा जाएगा कि प्रश्न ऐसे उठ सकता है कि जलकुंभी क्या करती है, तो जलकुंभी ऑक्सीजन अब्जॉर्व कर लेती है। किससे, जल से। जल से अब्जॉर्व करने के बाद ऑक्सीजन क्या होता है, जीवों को, जो जलीय जीव होते हैं उनको सांस लेने में समस्याएं होने लगती है, ठीक है। और क्या होता है, जिससे जलीय जीव व पादपों की मृत्यु हो जाती है। जो है जलीय जीव रहते हैं उनके पादपों में, जलीय जीव और पादप जो जल में पादप पाए जाते हैं उनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसीलिए इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है, क्योंकि ये बंगाल में ही सबसे पहले लाया गया था, इसीलिए जलकुंभी को बंगाल के आतंक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसलिए इसे जलयासों की महाविपत्ति या वाटर हाइसिंथ या क्या कहा जाता है, वाटर हाइसिंथ भी कहा जाता है। जलाशयों की क्या कहा जाता है, महाविपत्ति। किसे कहा जाता है, जलकुंभी को, ठीक है। और ये कब कहाँ लाया गया था, सबसे पहले बंगाल में लाया गया था, किसके द्वारा, अंग्रेजों ने लगाया था। इससे किस चीज़ के लिए, सुंदरता के लिए, फूल के, किंतु ये धीरे धीरे हमारे लिए विपत्ति हमारे लिए खड़ी करती चलेगी, ठीक है। इसीलिए इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट वीडियो अपने, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और अपने दोस्तों के पास वीडियो जरूर से शेयर करें, जिससे वो भी इस ज्ञान का फ्री में लाभ उठा सकें। धन्यवाद।